हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पूरी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का हमारा सेगमेंट है संशोधन के प्रकार। संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? सो तीन प्रकार के होते हैं: साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत द्वारा साथ में आधे राज्य विधानमंडलों के संस्तुति पर। ठीक है, सो बहुत ही बड़ा वीडियो नहीं होगा, काफ़ी इसको डीप में और एग्ज़ाम के व्यू अकॉर्डिंग हम एक रिवीजन कंप्रिहेंसिव वीडियो पे बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो संशोधन के प्रकार हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद, जस्ट वेट, यस, आर्टिकल 368 दो प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है। ठीक है, दो प्रकार के संशोधन व्यवस्था करता है। पहला क्या है? तो पहला है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है ना, पहला संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, क्लियर। सो इतना तो है ये बेस, ठीक है ना, क्लियर। अब चलते हैं टॉपिक पे: साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत के साथ राज्यों के विधानमंडलों के आधार पर। ठीक है, सो हमारा पहला टॉपिक है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। ओके, सो इसको देख लेते हैं। जो संविधान के, क्लियर, अनेक उपबंध होते हैं, वो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। दोनों सदन में साधारण बहुमत के द्वारा। ओके, यहां तक क्लियर है? देखिए, मैं बहुत ही धीरे बोल रहा हूं, और आप अगर इसको बस ऑडिबल फॉर्म में सुनेंगे ना, तब भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा है, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में ले जाके बस बोलना चाह रहा हूं, ताकि जो एग्जाम के हमारे ऑप्शन होते हैं, आप उन तक पहुंच सको। ठीक है, सो संसद के जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कहता है? ठीक है, वो ये कहता है कि संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। ठीक है ना, जो पहला है वो आर्टिकल 368 के सीमा से बाहर है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो पाया? ठीक है, इनमें टॉपिक क्या क्या है? तो वो टॉपिक है नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम का परिवर्तन। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। ओके, नंबर चार क्या है? दूसरी अनुसूची में जो विषय हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भले विशेषाधिकार आदि हों, ठीक है, इस पे बात करने के लिए। पांच नंबर क्या है? संसद की गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है, संसद के वेतन व भत्ते, वो संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, उसमें आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर, ठीक है ना। सो टॉपिक बहुत लंबा है, तो मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपका एक कंप्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्लियर। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो गया, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। ठीक है, सो नागरिकता प्राप्ति समाप्ति, ये संविधान संशोधन के
पहला जो पार्ट है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, इसके द्वारा किया जा सकता है, किया जाता है, इसमें 368 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन है, छठी अनुसूची जो जनजाति क्षेत्रों का शासन है। सो आपके लिए क्वेश्चंस है, यहाँ पर मुझे एक याद आया कि जो पांचवी अनुसूची है, ठीक है, जो छठवीं अनुसूची है, ठीक है, वो दोनों अनुसूचित क्षेत्रों और प्रदेशों से संबंधित है। आपको ये बताना है कि कौन से वो चार राज्य हैं जो पांचवें से संबंधित हैं और किनका नाम उसमें नहीं है, सेवन सिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर दो, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। अगर आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा देख लेना, मैं बोल भी रहा हूँ तो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का, ठीक है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बहुमत यानी 23% से, सॉरी 38% से अधिक, ये प्लस का साइन है, मतलब 38% से अधिक की बातें की जा रही हैं, और प्रत्येक सदन में उपस्थित, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, प्रत्येक सदन में उपस्थित, क्लियर, उपस्थित और मतदान के सदस्यों के दो तिहाई का बहुमत, ठीक है, उपस्थित मतदान के सदस्यों के 2/3 जो सदस्य होंगे, ठीक है, क्लियर, उनके अभिव्यक्ति के रूप में सेकेंड नंबर संसद का विशेष बहुमत लागू होता है। ठीक है, सो यहाँ पे दो कंडीशन है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी 38% प्लस, दूसरा है प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान के सदस्यों का 2/3, ठीक है, कि उपस्थिति हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा थोड़ा देखिए बारीकी वाली लाइन है, अगर आप समझ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग आपको हालांकि नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि बहुत हौच पौच लिख पा रहा हूँ मैं, राइटिंग नहीं बन पा रही है, बट मैं बोल रहा हूँ क्लियर, आप उसको प्लीज़ माइंड रखना। ठीक है, प्लीज़ माइंड रखना, क्लियर, ठीक है ना। सो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जैसे कि मूल अधिकार, ठीक है, जस्ट वेट गाइस, यस, इसमें क्या है, मूल अधिकार, ठीक। नंबर दो क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। और नंबर तीन है इसमें, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है, जो पहला और तीसरा श्रेणी में, क्लियर, उपबंध नहीं है। ये तीन पॉइंट हैं विशेष बहुमत के दायरे में। विशेष बहुमत क्या है, 38% प्लस दोनों सदनों का, मतलब एक एक सदन में, एक सदन लोकसभा का 38% प्लस और राज्यसभा का 38% प्लस, और प्रत्येक सदन की उपस्थिति मतदान के 2/3। ठीक है, लास्ट है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं राज्यों, राज्य विधान मंडलों के संस्तुति पर। ठीक
ठीक है, ये क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं, क्लियर, इसमें क्या क्या है चीज़ें, कैसे कैसे हैं, ठीक है ना। सो नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंध को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों के साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिला हो, ठीक है, क्लियर। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, हालांकि राज्यों को यहाँ पे इंक्लूड तो कर दिया गया है, लेकिन ये संस्तुति कब देंगे, कब अपनी रजामंदी बताएंगे, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रकृति, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियाँ या विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, सातवीं अनुसूची के संबंध कोई विषय, ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, इसमें 368 भी स्वयं इंक्लूड हो गया है, ठीक है। सो गाइज, ये तो रहा हमारा संशोधन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनमें इनकी प्रकृति क्या क्या है, ठीक है। हालांकि इसमें अनुसूचियों का चर्चा हुआ है, तो हम उस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर, कि अनुसूची, ठीक है, आपको तो पता होगा कि अनुसूची टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये तो आपको पता है, क्लियर। सो पहला अनुसूची क्या है, उसमें है भारत के प्रदेश, ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं, यस, भारत के प्रदेश हो गए इसमें, ठीक है, अब प्लस यूटी, क्लियर। इसके जो आर्टिकल हैं वो 1 से 4 तक का है, भारत के प्रदेश और यूटी की बातें कहाँ पे की गई हैं, संघ राज्य क्षेत्र की बातें कहाँ की गई हैं, अनुसूची 1 में। जो दूसरा है, ठीक है, ये क्या बात करता है, तो ये बात करता है वेतन और भत्ता का, जस्ट वेट, सो ये बात करता है वेतन, जस्ट वेट गाइज, यस, वेतन और भत्ता का बात करता है, ठीक है, क्लियर, ओके। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, इन लोगों के वेतन के भत्ता बात करता है, इसमें कौन इंक्लूड नहीं है, सो इसमें प्रधानमंत्री इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तीसरा है शपथ, ठीक है, मंत्री, सांसद, सीएजी, न्यायाधीश, एमएलए, ये लोग हैं, ठीक है, जिसे शपथ की बातें की गई हैं। चौथा है राज्यसभा सीट आवंटन, ठीक है, राज्यसभा सीट आवंटन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पांचवा है यह SC/ST क्षेत्र प्रशासन, क्लियर। छठवां है चार राज्य का अलग जनजाति क्षेत्र प्रशासन, ठीक है, क्लियर।
इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है, मैं उसको आगे बताते रहूँ, पहले सातवां नंबर कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कमी है, सो हौचपौच हो जाएगा। सात है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। अभी हमें ऊपर भी डिस्कशन हमें हमारा हुआ था, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, क्लियर। आठवां है भाषा, क्लियर। इस समय कितनी है? 22 भाषा है। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? सो 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। ठीक है, उसके बाद संशोधन हुआ, ठीक है, और भाषाएं जुड़ती चली गई। ठीक है, जिसमें से इम्पोर्टेंट हमारा है 71वां और 92। 71 में, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी ये जुड़े थे, ठीक है, और 92 में बोडो, संथाली, कोकड़ी ये जुड़े थे। ठीक है, नौवां है भूमि सुधार, भूमि सुधार। ठीक है, क्लियर। इसमें भी जो फर्स्ट संशोधन हुआ है संविधान का, 1951 में हुआ है। ठीक है, सो मैं इसको नोट नहीं कर दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको माइंड रखना, ठीक है, कि इसमें जो फर्स्ट संशोधन है 1991 में हुआ था। ये जो नवीन सूची है, यहीं से सारी खीर पकी है हमारे संविधान में, जो गोलकनाथ है मामला। ठीक है, क्लियर। केशवानंद भारती वाला जो मामला है, ये नवी अनुसूची का ही पूरा का पूरा खीर पका पड़ा है। ठीक है, जो दसवां है वो दल बदल, दल बदल कानून का है। ठीक है, क्लियर। 11वां जो नंबर है वो पंचायत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो 12 नंबर है वो नगर पालिका जुड़ा हुआ है। क्लियर, ठीक है। सो गाइस, हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि जो छठवीं अनुसूची है, ठीक है, जो छठवीं अनुसूची है उसमें जो चार राज्य हैं उसमें कौन कौन से राज्य हैं? सो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मैं बताऊंगा क्या उसको, मैं यहाँ पे पहले देख लेते हैं। इसमें है असम नंबर एक, नंबर दो कौन सा है? मेघालय। नंबर तीन इसमें क्या है? वो है मिजोरम। ठीक है, और नंबर चार कौन सा है? तो वह है त्रिपुरा। ठीक है, इसमें कोई नहीं है तो वो है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर सचिवी छठवीं अनुसूची में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ ये माइंड रखना, ऑप्शन में रहता है, हम टिक नहीं लगा पाते हैं। सो गाइज, ये हमारा आज का समरी वीडियो रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसका कंटेंट को आप कहीं पे नोट बनाइए या इसको ऑडिबल फॉर्म में मैक्सिमम टाइम सुन लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।